नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। अब डवाली में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और डवाली एसडीएम की ओर से एक पहल शुरू की गई है, जहां पर तमाम शहरवासियों से पुलिस की ओर से अपील की जा रही है कि अगर आप कॉलोनी रोड पर पहुंच रहे हैं या फिर बस स्टैंड रोड पर आ रहे हैं तो आप पूरे तरह से कॉलोनी रोड और बस स्टैंड रोड को वन वे किया गया है और अभी ट्रेल इसका वर्जन शुरू किया गया है ताकि आपको आदत पड़ सके। आप तस्वीरें देख सकते हैं डवाली के नेशनल हाईवे नंबर 54 की है, चौटाला रोड की, जहाँ पर जब भी आप कॉलोनी रोड पर टर्न लेते थे तो यही वो सबसे बड़ा एक चौक बनता था जहां पर अक्सर ट्रैफिक की समस्या से पुलिस को दो चार होना पड़ता था और उसका नुकसान तो खुद लोगों को ही ट्रैफिक से भुगतना पड़ता था। लेकिन अब इसको पूरे तरीके से वन वे किया गया है और यहां पर बैरिकेड्स हम आपको दिखाना चाहेंगे। हाईवे के ऊपर बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ से आपको अब इधर टर्न होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा यहाँ से अलिका का जो रोड निकलता है वहाँ से यू टर्न लेकर यहाँ से वापस आपको कॉलोनी रोड की ओर जाना होगा। और अगर आप कॉलोनी रोड से वापस हाईवे के ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो आपको ये रोड अब आने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये पूरी तरह से बंद होगा और इसकी बजाय आपको गुलाटी हॉस्पिटल वाली गली से होकर बस स्टैंड रोड से वापस आपको चौटाला हाईवे के ऊपर चढ़ना होगा। लेकिन अगर आप हाईवे से वापस कॉलोनी रोड पर जाना चाहते हैं तो आपको यू टर्न आगे जाकर इजी डेक के थोड़ा आगे जाकर आपको यू टर्न लेना होगा और वापस आप जा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कॉलोनी रोड एक बहुत केंद्र बिंदु है डवाली का क्योंकि इसके ऊपर ही हॉस्पिटल कई तमाम रह जाते हैं और अगर उसमें इमरजेंसी की कोई ऐसी बात होती तो यहाँ पर पुलिस तैनात रहेगी, उनके लिए यहाँ पर बैरिकेड्स को खोला जाएगा ताकि इमरजेंसी में कोई मरीज ऐसा है तो वो यहाँ पर जो अग्रवाल हॉस्पिटल या फिर बागड़ा हॉस्पिटल के लिए कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है। लेकिन जो लोग सामान्य तौर पर जाना चाहते हैं उनको इस बैरिकेड से अब जाने की सुविधा नहीं होगा। जो अगर कोई इमरजेंसी में जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है तो उनको ज़रूर यहां से जाने की अनुमति दी जाएगी, बाकी जितने भी व्हीकल्स हो गए उनको यहां पर आने की जो अब अनुमति नहीं होगी। लेकिन इसको अब दो चार दिनों के लिए ट्रायल पर रखा गया है, एक बार इसको ज़रूर वन वे नहीं किया गया। यहाँ पर इक्का दुक्का लोग हैं जो यहाँ पर वापसी कर भी रहे हैं, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा एक सोल्यूशन निकाला है कि आखिर शहर की एक वर्षों पुरानी सबसे बड़ी मांग थी कि ट्रैफिक को यहाँ पर सॉल्व किया जाए, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। मेरे साथ ट्रैफिक इंचार्ज सीताराम जी, हम उनसे ज़्यादा बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सीताराम जी। डवाली में एक पुरानी समस्या है ट्रैफिक की और आपने अभी इसका पूरा जिम्मा संभाला है, क्या सॉल्यूशन सर निकाला आपने फिलहाल? ये जनता की मांग पर जो ज़्यादा जाम की व्यवस्था थी उसको हम वन वे करना चाहते हैं और जो डवाली शहर के अंदर जो भारी वाहन है उसको बाया डवाली गांव होके शेरगढ़ और सीधा चौटाला रोड पर निकाल रहे हैं, जो धीरे धीरे सुचारू काम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, दूसरा कॉलोनी रोड पर अगर बात करें, इसको वन वे करने की बात की जा रही है, आपने बैरिकेटिंग इसके सामने किया है कि वन वे होगा पूरा बस स्टैंड रोड और कॉलोनी रोड, किस तरीके से यहाँ पर लागू होगा? ये हमारे पास जवान अवेलेबल हो जाएंगे और बैरिकेड तैयार हो जाएंगे तो इसको हम बहुत जल्द ही करने जा रहे हैं। तो सर, आप क्या अपील करते हैं पूरे शहरवासियों से, लोगों से कैसे सहयोग करें? हम पूरे शहरवासियों को चाहते हैं कि आम रास्ता खुला रहे और किसी आने जाने के वाले वाहनों को कोई दिक्कत ना हो और जो बड़े वाहन हैं उनको हम बाईपास निकालने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या सीताराम जी आपकी तरफ से कोई ऐसी भी योजना है कि बैरिकेड की संख्या बढ़ाई जाए? क्या आपने ये भी आवेदन किया है एसडीएम साहब से कि बैरिकेड आपको प्रोवाइड हो ज़्यादा? हम एसडीएम साहब से बैरिकेड की मांग की है, 26 बैरिकेड और 3 साइन बोर्ड लगवाने की, वो जल्द ही बनवाने के बाद हम वो ये चीज़ें हम लागू करने जा रहे हैं। सर, एक पुरानी मांग थी कि जो रेलवे रोड एक बंद किया हुआ है पहले से, क्या उसके लिए भी कोई ऐसी कोशिश शुरू की आपकी तरफ से? अगर वो खुलता है तो वो निश्चित तौर पर एक उस साइड का एक मिनी बाईपास का काम करेगा। उसके लिए भी एसडीएम साहब कल रेलवे वहाँ गए थे डीएम उससे बात करके और जैसे कोशिश कर रहे हैं एसडीएम साहब, उसको जल्द ही उसको मांग करेंगे भी ये गली पहले बंद थी जो उसको खुलाया जाएगा और जाम की स्थिति को कुछ कम किया जाएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ डवाली से ट्रैफिक इंचार्ज सीताराम जी, जो बता रहे थे। और अब अगर आप ये इस हैबिट के साथ आते हैं कि आपको कॉलोनी रोड से ही जाना है, उसी से वापस आना है, तो प्लीज़ आप इस आदत को अपनी को बदलिए, आप डवाली की ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। और डवाली से एसडीएम डॉक्टर वीरेश कुमार की तरफ से ये पहल शुरू की गई है, उन्होंने पूरे डवाली का निरीक्षण किया है और जैसे ही शहरवासियों की सबसे बड़ी मांग थी कि यहाँ पर अक्सर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आप अपनी आदतों को बदलिए, आप अपने तमाम आसपास के जो मित्र हैं, आपके परिवार हैं, उनको समझाइए। अगर वो यहाँ पर व्हीकल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, दो पहिया वाहन तो यहाँ से ज़रूर आ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चार पहिया वाहन लेकर आ रहे हैं तो ये आपके लिए पूरी तरीके से वन वे रहेगा। आप याद रखिए, आप कॉलोनी रोड से जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आएंगे, शर्तें आप इमरजेंसी स्थिति में नहीं होना चाहिए कोई वाहन, उसके लिए जरूर अलाउ किया गया है।
लेकिन अगर आप यहाँ से जा रहे हैं और आपको वापस चौटाला हाईवे पर आना है तो आपको कॉलोनी रोड से जाकर गुलाटी वाली हॉस्पिटल गली से होकर आपको वापस बस स्टैंड रोड से आना होगा। तो ये सबसे बड़ी एक अच्छी एक पॉजिटिव बात कही जाएगी डबाली के लिए, जहाँ पर अब पुलिस ने अच्छा बड़ा सोल्यूशन निकाला है और अब यहाँ पर 26 बैरिकेड और लगाए जाएंगे और कॉलोनी रोड पर। और अगर बात करें डबाली का जो फाटक, रेलवे का फाटक PNB, वहाँ पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, कॉलोनी रोड पर तैनात रहेंगे, बस स्टैंड रोड पर तैनात रहेंगे, ताकि नियमों की पालना हो सके। और आप समझ सकते हैं अगर जरा से भी चूक हुई तो पुलिस आपका हाथों हाथ चालान भी काटेगी। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।